नूरपुर भाजपा जिला महामंत्री रणवीर सिंह निक्का को पार्टी हाईकमान की तरफ से विधानसभा की टिकट ना मिलने पर उनके समर्थकों ने पार्टी के खिलाफ रोष प्रकट किया और पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का कहना है कि पार्टी ने रणवीर सिंह निक्का के साथ दगा किया है, नूरपुर की जनता इसका हिसाब चुनावों में देगी। निक्का ने कहा कि पार्टी हाईकमान को चाहिए था कि वे यदि दो नेताओं के बीच टिकट को लेकर टकराव था तो किसी तीसरे व्यक्ति को टिकट देते। उन्होंने कहा कि उनके साथ सारा मंडल और संगठन था, लेकिन वे चाहते हैं कि किसी भी भाजपा नेत्री को टिकट देते, तभी सभी कार्यकर्ता उनका साथ देते। अब सारी जनता रोष प्रकट कर रही है तथा विरोध प्रदर्शन कर रही है और वे कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं। अगर 23 तारीख तक पार्टी निर्णय वापस नहीं लेती है तो 23 तारीख को समस्त कार्यकर्ता सहित वे नामांकन दाखिल करेंगे। को एक बार तो पूछ लेते, अगर हमारे दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर टिकट का टकराव था तो तीसरा नेता हमारे बीच में दे देते, तब भी पूरा मंडल, पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसको स्वीकार करता। मैं चाहता किसी भी भाजपा नेत्री को जहाँ से टिकट दे देते। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल से चाहते थे कि हिमाचल में हमारी महिला शक्ति आगे आए, हम स्वीकार करते किसी महिला को यहाँ से टिकट देते। दो की लड़ाई हो तो तीसरे को मैदान में उतारते, दोनों को समझाते। आज पूरी जहाँ की जनता अपना रोष प्रकट कर रही है, जिन्होंने 5 वर्ष तक पार्टी को बूथ स्तर तक जहाँ पर सींचा है, उसके साथ आज जहाँ पर धोखा हुआ, उसला हिसाब उसका फैसला करने के लिए पब्लिक आज शरेआम रोष प्रदर्शन कर रही है। जल्द से जल्द 23 तारीख को पार्टी निर्णय ले, नहीं तो उसका हिसाब ये समस्त कार्यकर्ता देंगे। समस्त कार्यकर्ता हर किसी अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर 23 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, इसका हिसाब नूरपुर की जनता देगी। 23 तारीख को समस्त पब्लिक के इसका निर्णय, हमारी आज जो भी यहाँ पर हमारी महिला शक्ति आई है, युवा आए हैं, पिता समान हमारे बुजुर्ग जहाँ पर आए हैं, उनके साथ मिलकर हम 23 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उस पार्टी का मैं नाम ही नहीं लेना चाहती। अब पार्टी ने हमारे बारे में नहीं सोचा है, हमें भी पार्टी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम भैया को बोलेंगे कि वो इलेक्शन लड़े। पार्टी ने जब हमारे साथ मोर्चे बनाए थे तो उन्होंने पार्टी को जिताने के लिए बनाए थे और हमें काम करने के लिए बनाया था। हम अब काम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हुए हैं, तो अब पार्टी ने हमारे साथ दगा किया है तो अब हम अपने नेता जी को इलेक्शन लड़ने के लिए मजबूर करेंगे, उनको जिताएंगे भी। असलम ने अपने जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जिला नूरपुर के ठाकुर रणवीर सिंह जी हैं, नूरपुर छोड़ा है, अगर उन्होंने चुनाव लड़ना होगा तो हम भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे। अगर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना होगा तो वो जैसा देश करेंगे हम वैसा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमने 5-6 वर्ष तक पार्टी की दिन रात सेवा की है, अगर किसी को टिकट देना भी था तो वो मंडल को विश्वास में ले लेते। हमारे हिमाचल प्रदेश में कुछ ही मंडल होंगे जहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, वहां पर पार्टी को विशेष करके एक बैठक बुला के शीर्ष नेतृत्व को पूछना चाहिए था कि यहां से क्या किया जाए। अगर फैसला मिलजुल कर किया जाता तो सर्वमान्य हो सकता था, लेकिन पार्टी ने एक तरफा जो फैसला लिया है तो जैसे अब हमारे जिला के महामंत्री बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। अगर इन्होंने नॉमिनेशन किया, चुनाव लड़ा, तो हम इनकी चुनाव की दृष्टि से हम चुनाव भी लड़ेंगे। अगर इन्होंने चुनाव भी लड़ा फिर जैसा हमें देश किया हम वैसा करेंगे।